अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लैमरस रिव्यू पॉइंट। तो कैसे हैं माय ग्लैम फैम? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अपने अपने घरों में सेफ रहिए और कोरोना वायरस से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैंने कटलरी सेट जो है ऑनलाइन बुक किया था, तो वो आ चुका है मीशो से। तो वो ग्रीन कलर का मुझे अवेलेबल हुआ है, बहुत ही प्यारा सा है। तो ये अभी मैं खोल रही हूँ और आप सभी को दिखा रही हूँ। और मैं किचन से रिलेटेड मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेती हूँ जो कि हम सब जो लेडीज़ हैं ना उनके लिए हेल्पफुल रहे, ऐसी यूज़लेस ना हो कि पैसा भी वेस्ट हो और जो हमारा जो चीज़ है वो भी मतलब ज़ाया हो और टाइम भी वेस्ट हो। तो ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं लेती, मैं सिर्फ ऐसी ही चीज़ लेती हूँ जो हमारे किचन में, हमारे रूम में या हमारे लिए वो उपयोगी हो या हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर जी मैं अभी ओपन कर रही हूँ उसे, तो मैं देख रही थी किस तरह से मुझे क्या करना है इसको। तो अभी ये देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे अलग अलग जो है इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही नाइस कलर है, ब्यूटीफुल। और इसका जो होल्डर है वो मुझे अटैच करना है, जो नाइफ होल्डर वगैरह दिया है उसके उसके ऊपर मुझे फ़िट करना है। और जो ड्रेन है पानी का, जो जैसे हम लोग स्पून वगैरह जो पूरा कटलरी का आइटम रखेंगे, और आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें कहते हैं ना गैप दिया हुआ है, इस तरह से पूरी फिटिंग हो रखी है। हुक भी दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है, उसको फिट करना है बस मुझे। इसमें ये जो आप दो देख रहे हैं ना पॉइंट, इसमें मुझे वाइट वाले को फिट करना है। जब आप लेंगे तब खुद ही समझ जाएंगे। और मैं अभी इसको फिट कर रही हूँ और आप सभी को इसको दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इतनी सी चीज़ में सोचिए, मेरे स्कूप वगैरह, बड़े बड़े स्कूप, बड़े बड़े स्पून, और जो छौका होता है जिसमें दाल बघारते, वो इसका जो वो दिया हुआ है ना स्क्रैच टाइप का, सॉरी वो जो खाँचे दिए हुए जिसको बोलते हैं, गैप टाइप का, तो आप देख सकते हैं स्पेस भी बहुत अच्छी ये लेता है। और उसके बाद जो है इसमें काफ़ी स्पेस है और नाइफ़ रखने के लिए, आप नाइफ़ जो हैं और जो स्पून यूज़ करते हैं, आगे मैं दिखाऊंगी मैंने किस तरह से इसे सजाया। और ये यहाँ पे नाइफ़ वगैरह है, और आपका जो पीलर वगैरह होता है ना उसे आप रख सकते हैं। और ये जो गोल बना हुआ इसमें हम अपने स्पून वगैरह रख सकते हैं, कद्दूकस वगैरह रख सकते हैं, जो चीज़ें हमें डेली की चाहिए रहती है, नाइफ़ वगैरह। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, गैप आप देख सकते हैं, पानी स्ट्रेन होने का भी है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे ये इतना पसंद आया, मैंने फ़ौरन इसे परचेज़ कर लिया। तो आप ख़ुद देखिए इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं किचन से रिलेटेड या और भी कोई काम से रिलेटेड, जैसा कि मैं बनाती हूँ यूज़फुल वीडियोस, तो अगर आपको अच्छी लगती है, मैं मेहनत करती हूँ, मैं अपने पैसे खर्च करती हूँ, पहली बात तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं पैसे खर्च करती हूँ। और मैं जब पैसे खर्च कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं कुछ ऐसी चीज़ें लूँ ताकि जो मुझे व्यूज़ कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये उपयोगी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय लवली एंड माय स्वीट से व्यूवर्स, माय लव ग्लैम फैम, मेरे प्यारे से ग्लैम फैम। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको रख रखा है, ये देख सकते हैं, बड़े स्कूप भी हैं, बड़े स्पून भी हैं, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें किया, फ्राइंग पैन भी है छोटा सा ऑमलेट का। और आप ये देख सकते हैं ना किस तरह से इसमें स्पेस है, सारी चीज़ें जो हैं मेरी बिल्कुल अच्छे से इसमें आ चुकी हैं। नाइफ़ का अलग है, हर चीज़ का इसमें अलग है, मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ इसको लेकर के। हर चीज़ सोचिए मेरी एक जगह पर आ गई है, जो बिखरी हुई चीज़ें थी ना, जो मुझे ढूंढने में बहुत झमेला होता था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ही कठिनाइयों का जिसे बोलते हैं ना सामना करना पड़ता था। तभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इस तरह से कैची है, कद्दूकस है, होल्डर है, मैशर है, सभी कुछ को, ब्रश को इस तरह से कर दिया, जो टांगने का है उसको मैंने टांग भी दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल है। और ये जो है क्या कहते हैं ना कटलरी सेट, तो आपने ज़रूर इसको परचेस करना है, मैं तो यही बोलूँगी, गो फॉर इट। और बहुत ही अच्छा, और ये जहाँ हैंगिंग का है वहाँ मैंने जिसमें हैंगिंग में जो होल बने वहाँ पर मैंने हैंगिंग भी किया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगी है, तो हेल्पफुल रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहूँगी आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के प्यार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा एंड ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna
storms we chase are leading us, and